पिछले कुछ महीनों से कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का चर्चा बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और चर्चे में रहना भी चाहिए क्योंकि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी फिल्में आती जा रही है। और ऐसे ही एक बेहतरीन फिल्म जो मैंने दो दिन पहले ही देखा है जिसका नाम है गरुड़ा गमना विषवा वहना। ये फिल्म पिछले साल नवम्बर के महीने में रिलीज हुआ था और तब मैं ये फिल्म देख नहीं पाया क्योंकि हमारे यहाँ पर ये फिल्म लगा नहीं था। दो दिन पहले मैंने Zee5 के ऐप में ये फिल्म देखा और अगर सच कहूँ तो फिल्म बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग इस फिल्म को मास्टरपीस कह रहे हैं पर मेरे अकॉर्डिंग ये फिल्म मास्टरपीस तो नहीं है पर एक अच्छा गैंगस्टर फिल्म जरूर है। इस फिल्म में कई सारे माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस भी है और इस फिल्म का टाइटल भी माइथोलॉजी पे ही बेस्ड है। गरुड़ा गमना भगवान विष्णु जी का रेफरेंस है और गरुड़ा भगवान विष्णु जी का वाहन था और विषवा वाहना भगवान शिव जी का रेफरेंस है यानी कि भगवान शिव जी का वाहन नंदी था। और इस फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर्स का नाम हरि और शिवा है जिसे ऋषभ शेट्टी और राजवीर शेट्टी प्ले कर रहे हैं। हरि का कैरेक्टर भगवान विष्णु जी के रेफरेंस में लेके लिखा गया है जैसे कि भगवान विष्णु जी बहुत ही शांत रहते थे और अपने दिमाग से काम करते थे। और शिवा का कैरेक्टर भगवान शिव जी पे बेस्ड है जिन्हें हम एज डिस्ट्रॉयर भी जानते हैं। इस फिल्म में और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ब्रह्मिया जो कि इस फिल्म का एक नैरेटर भी रहता है और ब्रह्मिया का कैरेक्टर बेस्ड है ब्रह्मा जी पे और ब्रह्मा जी का काम है यूनिवर्स पे बैलेंस बनाए रखना। इस फिल्म का स्टोरी बहुत ही बेसिक है पर इस फिल्म का वे ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत ही यूनिक है। राजवीर शेट्टी इस फिल्म का राइटर डायरेक्टर और खुद शिवा का कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने शिवा का मैनिक वाला परफॉर्मेंस दिया है ना एकदम लाजवाब है। एक सीन है जहां शिवा एक गैंगस्टर का मर्डर कर देता है और हरी रिवेलरी ग्रुप पे गन पॉइंट करके रखता है। उसी वक्त बारिश चालू होता है और उसके बीच शिवा तांडव करता रहता है। वो सीन सच में मेरे दिल को छू गया। उस सीन का फ्रेमिंग BGM लाइटिंग कलर ग्रेडिंग और राजवीर शेट्टी का परफॉर्मेंस एकदम पिच परफेक्ट था। ऋषभ शेट्टी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। उनके परफॉर्मेंस में जो कामनेस था बहुत ही सोच सोच के एक एक स्टेप लेता है। जब वो कोई क्राइम करता है तो कुंड में जाके वो नहाता है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। यह सब कुछ बहुत ही डिटेलिंग के साथ दिखाया है। और ब्रह्मिया का कैरेक्टर गोपाल कृष्ण देशपांडे ने प्ले किया है और उनका कैरेक्टर भी बहुत सही से लिखा गया है। पहले तो इस कैरेक्टर को ऐसा दिखाया गया था कि यह बहुत ही डरपोक है और वो डरता है क्योंकि उसके फैमिली को कोई हार्म ना कर दे। पर धीरे धीरे करके जिस तरह से ये कैरेक्टर ग्रो होता है वो चीज अच्छा लगा। वो कैरेक्टर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है तो उस चीज को उनके चलने के लहजे से समझाया गया है। शिवा के कैरेक्टर में एक खासियत है, जब भी वो किसी का मर्डर करता है तब वो उस मर्डर विक्टिम का चप्पल या जूता पहन के जाता है और इसी वजह से मुझे इस फिल्म का कैरेक्टराइजेशन बहुत ही अच्छा लगा। कुछ कुछ सीन्स में स्लो मोशन वाला शॉट्स है और उन स्लो मोशन सीक्वेंसेस से उस एनवायरनमेंट में जो टेंशन है वो फील होता है। प्रवीण श्रीयान का सिनेमेटोग्राफी और मिथुन मुकंदन का म्यूजिक मुझे अच्छा लगा। गैंगस्टर ड्रामा फिल्म तो बहुत सारे बने हैं पर इस फिल्म का टेम्पलेट थोड़ा सा अलग था। ज्यादा अच्छा मुझे इस फिल्म का रॉनेस लगा और उसी रॉनेस की वजह से उस एनवायरनमेंट में क्या सब चल रहा है उन सब चीजों को हम फील कर पाते हैं। जिन लोगों को मास मसाला एक्शन वाला फिल्में पसंद है उनको ये फिल्म अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई मास मसाला एक्शन वाला फिल्म नहीं है, बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक फिल्म है। कुछ कुछ सीन्स में पेसिंग थोड़ा सा स्लो होता है पर मुझे उन सीन्स में बोर तो फील नहीं हुआ। एक स्लो बर्निंग स्क्रीन प्ले की तरह ट्रीट करता है। कुछ कुछ सीन्स में कोई भी डायलॉग्स नहीं है पर उन सीन्स में स्क्रीन प्ले और राइटिंग इतना अच्छा से हुआ है कि आपको समझने के लिए डायलॉग्स की कोई जरूरत ही नहीं है। रेफरेंस के लिए कहूं तो फिल्म के स्टार्टिंग में एक सीन है जहां हरि और शिवा एक पुलिस वाले के कार को चला के पुलिस स्टेशन में आता है और वो चाबी एक पुलिस वाले को देता है और फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन से चला जाता है और पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त कैमरा का एंगल थोड़ा सा नीचे आता है और शिवा के पैरों पे फोकस करता है और शिवा एक पुलिस वाले का जूता पहने हुए रहता है जिसमें थोड़ा सा खून भी लगा हुआ रहता है। तो उस सीन से हमें ये पता चल जाता है कि शिवा बहुत ही रूथलेस है और वो जिसका भी मर्डर करता है उस मर्डर विक्टिम का जूता या चप्पल सुविनियर के हिसाब से पहनता है। फिर एक सीन में कैमरा बस एक ही फ्रेम में रहता है और बैकग्राउंड में बाइक के थ्रॉटलिंग का साउंड सुनाई देता है और उस साउंड से हमें ये पता चल जाता है कि शिवा आ रहा है और आके कुछ तो खतरनाक वाला चीज करने वाला है। और फिल्म के क्लाइमेक्स के कुछ देर पहले एक सीन है जहां शिवा मंदिर जाता है और उस मंदिर के कुंड के सामने बैठ के ये देख रहा था कि हरि आके उस कुंड में नहाता है या नहीं। तो उस सीन से हमें ये पता चल जाता है कि शिवा के दोस्त को हरि ने ही मरवाया है। तो इस तरह का ब्रिलियंट राइटिंग है इस फिल्म में। डायलॉग्स की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप सीन देखते ही समझ जाओ। इस फिल्म का स्टोरी बेस पे मैंगलोर के मंगला देवी टाउन में। इस फिल्म को आप गॉडफादर या स्कारफेस उस एक्सपेक्टेशन से मत देखिएगा, बस एक अच्छा गैंगस्टर ड्रामा फिल्म की तरह देखिए, अच्छा जरूर लगेगा। और अवेलेबल है Zee5 के ऐप में सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।